नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द फोर्स ऑफ बॉयसी एग्जटेड बाई द एटमोस्फेयर ऑन बलून इज बी इन द बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट द फोर्स ऑफ एयर रेस्टेंस ऑन द बलून एक्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज प्रपोशनल टू इट उसके बाद दिया हुआ है बलून कैरी इज अ मास कैपिटल एम इज फाउन टू एंड इज फाउन टू फॉल डाउन अंडर द नियर सरफेस विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यू हाउ मच मार्स शुड बी रिमूवड फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज विद अ कॉन्सटेंट वेलॉसिटी वी हालाइट अगर हम स्नैरियो समझें तो स्नैरियो कुछ ऐसा है कि ये मान लीजिए आपका हॉट एयर बलून है लेट्सी हाउ वेल वी कैन ड्रॉ नॉट बैड सो ये आपका बलून है All right? और ये बलून है ये आपका बलून जो है नीचे वी वे कॉन्स्टेंट वी वेलासिटी से नीचे जा रहा है अब यहाँ पे जो आपके फोर्सेस लग रहे हैं ठीक है तो इसका जब हम एफ बनाएंगे सो तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं तो एक आपका जो फोर्स है बायोनसी फोर्स वो तो ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे आपका एक एम फोर्स लग रहा है और यहाँ पर आपका एक और फोर्स है एयर रेजिस्टेंस का फोर्स जो कि आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है सो तो यहाँ पर आपका एक और फोर्स जो कि बायसी फोर्स है Uh, उसी के साथ साथ आपका एक एफ जो आपका एयर रजिस्टेंस फोर्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में है ना इस केस में अगर हम इक्वेशन लिखें ये अपना केस वन है और इसका मास है एक काम करते हैं इसका मास एम वन मान लेते हैं ठीक है uh, कई बार कैपिटल एम और स्मॉल एम में लोग परेशान हो जाते हैं तो इसको एम वन मास मान लेते हैं सो केस वन जो है उस केस में अगर हम इक्वेशन लिखें अच्छा इसका एक्सलेशन जीरो है ठीक है सो जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं कि आपका एफ नेट इज इक्वल टू एम ए ये सो so, आपका एक्सलेशन जीरो है तो नेट फोर्सिस आपके बैलेंस होंगे विच मीन्स आपका एफ प्लस बी विल बी इक्वल टू एम वन जी विच एम्प्लाईज आपका फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू एम वन जी माइनस बी ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई ठीक है सो नाउ अब हमने क्या किया यहां से हमने केस uh, टू जो है अपना केस uh, टू उस केस में हमने यहाँ से कुछ मास लेटस से एम टू मास बाहर फेंक दिया कुछ सामान था वो हमने उठा के एक काम करते हैं इसको यहाँ से नहीं यहाँ से बाहर फेंक देते हैं ठीक है तो मास टू ड्रॉप कर दिया है ना उस वजह से हुआ क्या है क्योंकि अब इसका मास थोड़ा सा कम हो गया है अब ये पूरा सिस्टम आपका वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो इसका अगर हम एफ बी डी बनाएं तो एफ बी डी कुछ ऐसा हो जाएगा सो so, ये आपका आ, नीचे जो फोर्स है वो फोर्स आपका लगेगा इस वक्त एम वन माइनस एम टू जी वाई बिकॉज़ यहाँ पर यह आपका नेट मास बचा है एम वन था और एम टू आपने फेंक दिया है और यहाँ पे आपका जो फोर्स है बायसी फोर्स आपका ऊपर आ गया अब क्योंकि ये पार्ट आपका बलून जो है इस बार ऊपर वेलोसिटी से जा रहा है तो नीचे की डायरेक्शन में आपका विस्कस फो आपका जो एरेस्टेंस का फोर्स है क्योंकि बलून ऊपर जा रहा है तो एरेसेंस अब नीचे की डायरेक्शन में लगेगा बिकॉज ये डायरेक्शन अपोजिट उसमें अप्लाई होता है सो so, ये वाली आपकी सेकेंड इक्वेशन इसके बेसिस पे बन जाएगी जिसको हम कह सकते हैं एफ़ प्लस एम वन माइनस एम टू जी विल बी इक्वल टू बी ठीक है तो so, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी now अब इस केस में अगर हम ये आपके सेकेंड इक्वेशन बन गई सो so, इस केस में एफ़ की जो ये वैल्यू आई थी वो अगर हम यहाँ इंसर्ट कर दें so इसको हम ये लिख सकते हैं एफ़ uh, की वैल्यू यहाँ हम इंसर्ट कर रहे हैं सो दिस विल बी इक्वल टू एम वन जी माइनस बी प्लस यह है आपका एम वन जी माइनस एम टू जी विल बी इक्वल टू बी अलाइट और यहाँ हमें मेरा ख्याल है एम टू की वैल्यू बतानी है क्या है ठीक है एम uh, टू की वैल्यू बतानी है ना यहाँ पे हालांकि right. हमें एम टू की वैल्यू बतानी है क्या है तो इस केस में एम टू को उधर ले आते हैं बाकी सब इधर ले आते हैं सो so, uh, इसको हम ये कह सकते हैं uh, ये हो गया आपका टू एम वन जी प्लस टू बी विल बी इक्वल टू एम टू जी हालांकि अब इसको अगर मैं जी से डिवाइड कर दूं सो विच एम्प्लाइज़ एम टू जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस एम वन माइनस बी बाय जी ये आपका uh, कितना सामान आपने बाहर फेंकना है फॉर दिस कंडीशन ये आपका फाइनल आंसर हो गया ठीक है